हाय गाइस कैसे हो आप सब लोग एंड फाइनली मैं आ गई हूँ एक नए वीडियो के साथ और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आज के इस वीडियो के लिए बिकॉज आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं ग्लैम ब्राइडल मेकअप लुक एंड ये मेकअप लुक जिस तरह से आपको नाम से बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है अभी मैं आपको टॉपिक बताती हूँ कि हम लोग क्या क्या नया सीखने वाले हैं सो so, जिन भी जितने भी लोग यहाँ पर बिगिनर है या जितने भी प्रोफेशनल ऑलरेडी है जिनको आई शेड ब्लेंडिंग में दिक्कत आ रही है डबल विंग बनाने में दिक्कत आ रही है बेस में प्रॉब्लम आ रही है कॉन्ट्रोल में आ रही है लिपस्टिक में आ रही है सो आज ये वीडियो के आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व होने वाले हैं उसके पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना जितने भी लोग नए हैं आप मुझे देख रहे हैं यानी कि कशिश जी एंड आई एम फ्रॉम सूरत सो so जितने भी लोग नए हैं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन जरूर दबाना ताकि आपको मेरी वीडियो की अपडेट मिलती रहे ठीक है सो जैसे कि मैंने आपको काफी सारे टॉपिक्स बताया एक टॉपिक या दो टॉपिक नहीं है पूरे वीडियो में हर एक जगह पर अलग अलग टॉपिक है और एक सबसे बड़ी चीज मैं आपको बताना चाहूंगी इस मेकअप में मैं ट्रांसफॉर्मेशन करने वाली हूं जैसे कि आप वाला लिप्स वाला पोर्शन आप ध्यान से देखिए अब देखिए धीरे धीरे मैं लिप्स के साथ क्या करती हूँ <laughs> यानी कि मेकअप ही करूंगी बट या सो लेट्स बिगिन कहीं पे भी आपकी नजरें नहीं जानी चाहिए नजरें सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन पर रहे याद रखिए सो फेस क्लीन किया आज मैंने सोचा कि क्यों ना आई मेकअप पहले करूं और बेस मेकअप बाद में करूं क्योंकि बेस मेकअप थोड़ा सा इंटरेस्टिंग और नया होने वाला है आप सब लोगों के लिए तो बेस मेकअप के लिए थोड़ा सा इंतजार करिए पहले हम आई मेकअप सीख लेते हैं एज अ बिगिनर सिंपली आपको एक चीज़ बताऊं सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देना है आईब्रो डिफाइनिंग पे क्योंकि आईब्रो डिफाइनिंग अगर आपकी अच्छी नहीं हुई और आपका आई मेकअप चाहे कितना भी अच्छा हो जाए ना आपका आई मेकअप अच्छा नहीं दिखेगा सो so, आईब्रो डिफाइनिंग पे आपको बहुत ज़्यादा वर्क करना है अब आईब्रो डिफाइनिंग के बाद अगर आप चाहते हैं कि आपके आई शेडो के कलर एकदम पॉप आउट होकर दिखे तो आप कोई भी अच्छा कंसीलर यूज़ करें स्किन से एक टोन एक या दो टोन ब्राइटर या तो मेरी तरह वाइट बेस यूज करें दोनों में से कोई भी चीज़ यूज करें बट याद रहे ये वाला स्टेप बिल्कुल भी स्किप नहीं होना चाहिए नहीं तो क्या होगा हमारा जो है आई शेडो सब पता है ऐसा होता है जब हम बिगिनर होते हैं हमारा सारा आई शेडो गिर जाता है या तो लगता ही नहीं है या तो पता नहीं क्या क्या दिक्कतें आती है तो ये सब दिक्कतें क्यों आती है हम स्टेप बाय स्टेप चीज़ें फॉलो नहीं करते तो प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से देखो सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो ठीक है तो यहाँ पे एक बेस करने के बाद यानी कि स्टेप टू हो गया हमारा अब स्टेप थ्री क्या है हमारा मैंने लाइट ब्राउन कलर का एक आई शेडो लगा दिया है बिकॉज आउटफिट का जो कलर है वो मरून है तो यहाँ पे अब हमारा स्टार्ट हो रहा है सेकेंड स्टेप जिसमें मैंने लिया है एक मरून कलर का आई शेडो ध्यान से देखिएगा अब मैं आपको सारे प्रोडक्ट भी दिखाने वाली हूँ आज सब कुछ बताने वाली हूँ तो ध्यान से स्क्रीन पे ही नज़रें रहनी चाहिए उसके बाद मरून शेड मैंने लिया यहाँ पे थोड़ा सा मुझे और डार्क मरून चाहिए था तो मैंने मेरी दूसरी पैलेट में से वो शेड मैंने ले लिया क्योंकि मुझे चाहिए था थोड़ा सा डार्क दिखे मेरा आई शेडो उसके बाद यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ एक ब्लैक कलर का मैंने जेल लाइनर लिया है ये प्रोसीजर मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ स्मोकी आइस का कि स्मोकी आइस कैसे करनी है ये हमारा स्मोकी आई का प्रोसीजर है तो यहाँ पे मैंने ब्लैक जेल लाइनर ले लिया अभी ब्लैक जेल लाइनर लेने का रीज़न क्या हो सकता है ये मुझे आप लोग बताओ क्योंकि जितने भी लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करते होंगे उन्हें पता होगा कि मैं ब्लैक जेल लाइनर क्यों यूज़ करी हूँ और जितने लोगों को नहीं पता वो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए यार मेरी इंस्टाग्राम आईडी कशी जेम सिक्स वन ताकि आपको भी पता चल जाए ये सब छोटे छोटे टिप्स मैं इंस्टाग्राम पर भी अपडेट करती रहती हूँ तो इंस्टाग्राम पे भी मैं बहुत एक्टिव हुआ एक चीज़ में बता दूँ मुझे ऐसा लग रहा है यूट्यूब से ज़्यादा मैं मस्टाग्राम पे एक्टिव हो गई हूँ लेकिन यूट्यूब मेरी मेरा प्यार है बहुत ज्यादा सो so, यहाँ पे मैंने जैसे ही मैंने ब्लैक जेल लाइनर लगाया उसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़ा सा आई शेडो लिया ये मैंने इसलिए लिया क्योंकि जब हम जेल लाइनर लगाते तो क्या होता पता है वो बहुत ज्यादा पोखी दिखता है उसका एज पूरा विजिबल होता है तो उसको ब्लेंड करने के लिए अब उसी ब्लैक जेल लाइनर के ऊपर मेरा जो एक्जैक्ट आउटफिट का कलर था वो मैंने यहाँ पे अप्लाई किया समझ लो आपके आउटफिट का कलर ग्रीन है तो आप ग्रीन अप्लाई करो या तो ब्लू है तो आप ब्लू अप्लाई करो ऐसा आप कर सकते हो यहाँ पे एक छोटी सी टिप शेयर करना चाहूंगी अगर आप आपकी आईब्रोज को और भी ब्यूटीफुल दिखाना चाहते हैं तो इस तरह से आप थोड़ा सा व्हाइट बेस लेके उसके ऊपर अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपकी आईब्रोज जो है वो बहुत अच्छे से हाईलाइट होगी तो ये टिप जरूर फॉलो करना बहुत अच्छा लगेगा आपको ये मेकअप में अब मैंने सोचा क्यों ना ब्राइट देते थोड़ा शिमरी कर दे तो मैंने क्या किया यहाँ पे टू वे जेल लिया है और मैंने मेरा ग्लिटर ले लिया गोल्डन वाला और वो अच्छे से मैंने अप्लाई कर दिया फिर मैंने सोचा यार ग्लिटर तो थोड़ा कम लग रहा है इसको थोड़ा और अच्छा बनाते हैं तो मैंने क्या यूज किया मेरा ये क्वीन पिगमेंट मैंने इसके ऊपर यूज किया और उसके बाद आप इसका इफेक्ट देखो क्वीन पिगमेंट अगर आप सच में ऑर्डर करना चाहते हैं तो नीचे नंबर दिया है डिस्क्रिप्शन में उस पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा तो यहाँ पे मैंने क्वीन पिगमेंट लगा दिया अब आप इसका लुक देख सकते हैं आप मुझे बताओ कैसा लगा लुक अच्छा लगा कि नहीं लगा बुरा लगा है तो भी बता दो अच्छा लगा है तो भी बता दो कोई सजेशन है तो भी बता दो तारीफ है तो भी बता दो अब मैं क्या कर रही हूँ जो टेप मैंने लगाई है उसे मैं रिमूव कर रही हूँ ताकि अब आप देख सकते हो ये टेप मैंने लगाई थी शेप के लिए ओके अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेस मेकअप वैसे स्किन जो है वो है कॉम्बिनेशन स्किन सो so, मैं सारे प्रोडक्ट दिखाने वाली हूँ जो भी आपको स्क्रीनशॉट लेना है क्योंकि यार बहुत मैसेजेस आ रहे थे प्रोडक्ट को लेके सिर्फ दिल दुख गया मेरा कि यार मतलब लोगों को मेरी टेक्निक देखने में मज़ा नहीं आ रहा लोगों को प्रोडक्ट देखने में मज़ा आ रहा है तो मैंने सोचा क्यों ना मैं प्रोडक्ट ही दिखा दूँ कोई बात नहीं सो so, यहाँ पर मैंने क्या यूज़ किया सबसे पहले बॉबी ब्राउन का जो क्रीम है वो मैंने यूज़ किया यहाँ पर मैं सिरम यूज़ करी हूँ वो जो कि है ब्रूना टावेरस का अगर आप ये सारी चीज़ें गूगल पे सर्च करोगे तो आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट हमारे थ्रू ऑर्डर करना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे मैं ब्रूना टावरस का प्राइमर यूज़ करी हूँ आप चाहे तो मेकअप स्टूडियो यूज कर सकते हैं आप चाहे तो जो भी ब्रांड आप चाहे आप वो यूज कर सकते हैं अब मैं यहाँ पे क्या कर रही करी बताए हुडा ब्यूटी का स्टिक फाउंडेशन यूज कर रही हूँ बहुत ज्यादा मेरे पास आए थे मैसेजेस की प्लीज स्टिक फाउंडेशन यूज करें स्टिक फाउंडेशन यूज करें तो मैंने सोचा चलिए स्टिक फाउंडेशन यूज करूं और अगर सच में बताऊँ ये प्रोडक्ट ड्राई स्किन के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है जिन भी लोगों की यहाँ पर बहुत ज्यादा ड्राई स्किन है ना ये प्रोडक्ट को एक बार ट्राई देना आपको बहुत अच्छा लगेगा और इसका सबसे अच्छी बात क्या है बताया ये हाई कवरेज है वैसे मेरी ऑयली स्किन है तो पर्सनली मुझ पर इतना ये सूट नहीं होता लेकिन जब मैंने मेरी मॉडल की जैसे कि थोड़ी ड्राई स्किन है तो जब मैंने ये उन पर अप्लाई किया इट वॉज लुकिंग माशा इट वॉज लुकिंग सो सो गुड सो आप ये ट्राई कर सकते हैं तो मैंने क्या किया यहाँ पे मैंने खुदा ब्यूटी की जो स्टिक है उसका शेड अम्बरेती मैंने यूज़ किया वो मैंने अप्लाई किया अब यहाँ पे मैं एक लिक्विड फाउंडेशन ले रही हूँ लिक्विड फाउंडेशन लिया है मैंने यहाँ पे वैसे लिक्विड फाउंडेशन मैंने यूज़ किया ओ जी का नंबर फोर तो मैंने जो वो स्टिक फाउंडेशन जो मेरा बचा था उसी के अंदर मैंने मेरा लिक्विड फाउंडेशन मिला लिया और मैंने फेस पे अप्लाई कर दिया तो आप लोग देख सकते देख रहे हो एक ही स्टिक से मैंने क्या किया कंसीलर का भी काम कर लिया और फाउंडेशन का भी काम कर लिया तो आपने अगर मेरे पिछले वीडियो देखे होंगे तो आपको पता ही होगा कि मैं एक ही चीज़ से मैं कितने सारे काम कर लेती हूँ मैंने फाउंडेशन से पहले कंसीलिंग करना बताया है या मैंने कभी कभी कंसीलर से बेस करना बताया तो पुराने वीडियो जरूर देखना और अगर आप पर्सनल ट्रेनिंग चाहते हैं हमारे से तो पर्सनल ट्रेनिंग जल्द ही आने वाली है पर्सनल ट्रेनिंग स्टार्ट हो रही है इन दी मंथ ऑफ जून से अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं मुंबई में होने जा रही है वैसे क्लास अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिए या तो आप कॉन्टेक्ट कर लीजिए सेवन डबल टू एट डबल नाइन डबल सिक्स डबल फाइव सो यहाँ पर मैंने सोचा कि आपको कॉन्टोर भी साथ में बता दू कि कहाँ कहाँ कांटोर करना होता है और कहाँ कहाँ पर हमें मेनली बेस लगाना होता है तो मैंने काउंटर की जगह पे काउंटर अप्लाई किया और बेस की जगह पे बेस अप्लाई किया अगर आप ये टेक्निक का डिटेल में नॉलेज चाहते हैं तो ये टेक्निक के बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड किया है कि मैं ये वाली टेक्निक क्यों फॉलो करती हूँ आप वो वीडियो ज़रूर चेक करिएगा अब मैं क्या करूँ ब्लैंड करूँ सबसे पहले काउंटर वाला एरिया ब्लेंड करना है उसके बाद फाउंडेशन वाला जो एरिया है वो मैं ब्लेंड करूंगी नोज कॉन्ट्रोल ब्लेंड कर देते हैं और फिर आप मुझे लास्ट में कमेंट करके बताना कि पूरे मेकअप में सबसे अच्छा पार्ट क्या था वैसे मैं आपको सच में बताऊं इस मेकअप में सबसे चेंजिंग पार्ट है लिपस्टिक बिकॉज लिपस्टिक आने के बाद पूरा जो मेकअप का जो लुक है ना वो पूरी तरह से चेंज हो गया मैं खुद भी नहीं सोच रही थी कि मैं इतना चेंज किसी को कर सकती हूँ लेकिन मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि भगवान ने मुझे ये कला दी कि मैं आप लोगों को मेकअप सिखा सकती हूँ और मैं जितना जितना मुझसे बनेगा मैं आपको सब चीज़ें सिखाऊंगी आई एम sure. श्योर बस आप मेरा सपोर्ट करते रहिएगा बस इस वीडियो को अच्छे से शेयर करिए अच्छे से देखिए और सिर्फ वीडियो देखा देखना नहीं आपको प्लीज़ प्रैक्टिस भी करिएगा फिर अब यहाँ पे मैंने क्या किया लिपस्टिक जो मैं कर रही हूँ यहाँ पे तो मैंने एकदम हाई एकदम डार्क कलर का जो ब्राउन्जर होता है वो मैंने यूज़ किया है और अब ये ब्राउन्जर आपको कैसे यूज़ करना है जो भी शेप में आपको आपके लिप्स चाहिए उस शेप में आपको ये ब्राउन्जर अप्लाई करना है जैसे मुझे जिस शेप में चाहिए थे मैंने उस तरह से ब्राउजर अप्लाई कर दिया आप एक क्विक चेंज देख सकते हैं फेस में अब मैंने सोचा फेस हाईलाइटिंग कर लेते हैं बाद में हम लिपस्टिक में आएंगे तो यहाँ पे फेस हाईलाइटिंग के लिए मैंने खुदा ब्यूटी यूज़ किया है कंसीलर यूज़ किया हुआ उडा ब्यूटी का एंड बहुत कम क्वांटिटी मैंने यूज़ करी मैंने बोला बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं हमारा मेकअप वैसे ही बहुत चंगा लग रहा है लेकिन मैंने सोचा कि फोटोज़ आने हैं फोटोज़ वगैरह लेने हैं तो थोड़ा सा ब्राइट मेकअप लुक करूँ ब्राइट भी है हमारी तो इसको मैंने कर दिया है सेट एंड अगर आप नेचुरल ब्राइडल मेकअप की वीडियोस देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना वैसे ये ग्लैम ब्राइडल मेकअप लुक है एंड आई होप आपको जो भी मेकअप लुक्स देखना है आप मुझे कमेंट करके बताओ क्योंकि मैं हेवी लुक्स भी करती हूँ मैं सॉफ्ट लुक्स भी करती हूँ दोनों ही मैं करती हूँ अब बेकिंग कर लेते हैं हम वैसे मुझे बेकिंग रियल लाइफ में तो नहीं आती लेकिन सिर्फ मेकअप में आती है <laughs> और मुझे कुछ नहीं आता अगर बेकिंग की बात करूँ मुझे कुछ भी मनाने नहीं आता सच में मैंगी आती खाली बट ठीक है सब में कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ होती है शायद मेरी अच्छाई ये है कि मैं आपको मैं टीचर हूँ ये मेरी अच्छाई है यही मेरी स्ट्रेंथ uh, है मैं बोल सकती हूँ आई एम अ टीचर प्राउडली आई कैन से दिस उसके बाद बेकिंग के बाद यहाँ पे मैं ब्लश ऑन यूज़ करी हूँ ब्लश ऑन मैं यूज़ किया यहाँ पे uh, ब्रूना टावेरस का थोड़ा सा पीच कलर का मैंने यहाँ पे पिंक कलर यूज़ नहीं किया रीज़न ये, रीजन ये है कि मैंने थोड़ा सा ग्लैम ब्राइडल लुक किया तो मैंने सोचा नो पिंक ब्लश ऑन दिस टाइम अब मैं थोड़ा सा व्हाइट काजल से बोर हो गई थी तो मैंने बोला दिस टाइम लेट्स गो विथ ब्लैक काजल तो मैंने ब्लैक काजल लगाया थोड़ा सा यहाँ पे मैं लिक्विड लाइनर यूज़ करी हूँ कलर बार का अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है जो डबल विंग लाइनर मैं क्रिएट करने वाली हूँ वो एंड अगर आप डबल विंग का मिनी टूटोरियल देखना चाह रहे हो तो एक बार इंस्टाग्राम जरूर चेक करिएगा क्योंकि मिनी टोटोयल देखने में बड़ा ही मजा आता है सच में क्योंकि एक मिनट में आप सब सीख जाओगे बताओ यहाँ पे मैं एक वाइट पेन यूज़ करी हूँ वाइट पेन में इसलिए यूज़ करती हूँ ताकि एक मुझे गाइडलाइन मिल जाए कि मुझे दूसरा जो डबल दूसरा जो विंग है वो मुझे कहाँ से लेना है तो बीच में गैप आ जाएगा तो आप इजीली विंग डिसाइड कर सकते हैं कि आपको विंग कहाँ से लेना है सो so, मैंने उसके ऊपर पेन करके थोड़ा सा वाइट आई शेडो यूज़ किया है अब आप देख सकते हो विंग मैं कहाँ से ले रही हूँ वाइट कलर के नीचे से तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें अपने मेकअप में अगर आप ध्यान रखोगे ना तो आपका मेकअप जो है ना वो सीधा जीरो टू हंड्रेड पर चला जाएगा बस वो जीरो टू हंड्रेड तक आने में थोड़ा सा वक्त लगेगा लेकिन देखो सबका वक्त आता है सब जानते हैं बराबर तो येस वर्क ऑन इट फिर मैंने क्या किया थोड़ा सा मरून आई शेडो लिया उसे अच्छे से ब्लेंड आउट कर दिया जो कलर्स मैंने ऊपर लिए थे वही कलर्स मैंने नीचे ले लिए ताकि अच्छे से मेरा जो आई मेकअप है वो एकदम दिखे ग्लैम दिखे थोड़ा सा हाईलाइटेड दिखे आप लोग देख रहे हो मेरा क्वीन पिगमेंट कितना ब्यूटिफुल लग रहा है यार ये मेकअप के बाद तो मेरा दिल आ गया मैं सोच रही हूँ कि मेकअप मैंने किया है मैं मेकअप करने के बाद सोच रही थी वैसे ही उसके बाद आई लैशेज़ मैंने यहाँ पे अप्लाई की है सेम दूसरी तरफ भी मैं यही कर रही हूँ डबल विंग लाइनर आप समझ गए होंगे किस तरह से करना है एंड अगर आपको ये आ, आई मेकअप अगर आपको पसंद आया पूरा मेकअप पसंद आया तो मेरे लिए बहुत सारे रेड हार्ट्स मुझे भेजेगा आई जस्ट वॉन्ट कि ये पूरा कमेंट सेक्शन रेड हार्ट से भर जाए पूरा 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 एंड जस्ट मैं सोच रही हूँ कि ये वीडियो मेरा मिलियन दो क्रॉस करना चाहिए बड़ी मेहनत लगी कसम से वीडियो बनाने में यहाँ पे मैं बेला वक्त का वाइट लाइनर यूज़ कर रही हूँ देखो मैंने सब बता दिया आपको सारे प्रोडक्ट बता दिए अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचाया बताने को तो मैंने वाइट लाइनर यूज़ कर लिया वो भी मैंने अप्लाई कर दिया ताकि जो मेरा विंग है वो एकदम शार्प दिखे अच्छा दिखे ब्यूटीफुल दिखे चलिए लिपस्टिक पे आ गए यहाँ पे मैं यूज़ करी हूँ मेकोवर ब्रांड की नाइनटीन नंबर की लिपस्टिक मैंने उसको बॉर्डर पे अप्लाई कर दिया मैंने सोचा सब कुछ डार्क है तो आज लिपस्टिक भी डार्क कर लेते हैं वैसे ये लिपस्टिक मेरे लिए बड़ी लकी है अब क्यों है वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगी अभी नहीं बताऊंगी <laughs> तो uh, मैंने डार्क कर दिए और जो इनर वाला पार्ट है वो मैंने लाइट रखा है आप लोग देख रहे हो ट्रांसफॉर्मेशन खाली देखो लिपस्टिक का कि क्या बिफोर था क्या आफ्टर था मतलब इट्स अ ह्यूज डिफरेंस मैं खुद शॉक हो गई मैंने बोला क्या कर दिया लड़के बहुत मारेंगे <laughs> उसके बाद मैंने सोचा हाइलाइटर की वैसे ज़रूरत तो नहीं थी पर मैंने बोला नहीं यार फेवरेट पार्टे लगाना तो पड़ेगा तो हाइलाइटर से यहाँ पर मैं मेकअप को फाइनल टचअप दे रही हूँ यहाँ पर हमारा मेकअप खत्म हो गया है लेकिन आपकी प्रैक्टिस नहीं रुकनी चाहिए बस प्रैक्टिस करते रहो मेकअप करते रहो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना है यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो बहुत सारा सपोर्ट दे दो बहुत सारा प्यार दे दो ऐसी वीडियो के साथ अगेन वापस आऊंगी इससे भी अच्छी वीडियो के साथ आऊंगी तब तक के लिए टेक केयर एवरीबडी एंड डू प्रैक्टिस एंड जस्ट डू प्रैक्टिस बाय